इस क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन सिस्टम के किन्हीं तीन पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। हमें यह बताया गया है कि कार्टेशियन सिस्टम में तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें एक पॉइंट बाकी के दो पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट है। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं वो तीन पॉइंट्स है, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर। अब वो पॉइंट जो बाकी के दो पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट है, हम मान लेते हैं वो पॉइंट पी है, ठीक है। तो पी जो है वो पॉइंट क्यू और पॉइंट आर से इक्विडिस्टेंट है, ठीक। अब इक्विडिस्टेंट होने का क्या मतलब है? पॉइंट पी पॉइंट क्यू और पॉइंट आर से इक्विडिस्टेंट है, मतलब पॉइंट पी पॉइंट क्यू से उतना ही दूर है जितना कि वो पॉइंट आर से है। मैथमेटिकली बोलेंगे तो हम बोलेंगे डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर, यह है इक्विडिस्टेंट होने का मतलब, ठीक है। अब यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो देखते हैं कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए हुए हैं, मतलब उनकी वैल्यूज हमें नहीं दी हुई है। जहां पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है उसकी जगह लिखा हुआ है एक्स एंड वाई, मतलब पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है एक्स और पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी जगह है वाई, ठीक है। दूसरे दो पॉइंट्स जो है उनके कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 6 और -3 एंड 4। तो चलिए Q वो पॉइंट है, हम ये मान लेते हैं कि पॉइंट Q वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 6 एंड पॉइंट R वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड 4, ठीक। और हमें क्या करना है, हमें ये जो दो वेरिएबल्स है X एंड Y इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब होती है कोई इक्वेशन जनरली, तो हमें कोई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें वेरिएबल X और Y दोनों हो। यहां पे जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस पी आर के इक्वल है। बात डिस्टेंस की होती है, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस डी जो है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। यहां पे डी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है और वो जो दो पॉइंट्स है जिनके बीच में डिस्टेंस डी है उन दोनों पॉइंट्स के जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन एंड वाई वन और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स टू एंड वाई टू, ठीक। यहां पर हम डिस्टेंस पी क्यू की बात करेंगे। अगर डी की वैल्यू पी क्यू के इक्वल है, मतलब डिस्टेंस पी क्यू की बात कर रहे हैं, उस केस में अगर हम पॉइंट पी को फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट क्यू को हम सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं तो यहां पर एक्स वन की वैल्यू हो गई एक्स, वाई वन की वैल्यू हो गई वाई और चूंकि क्यू दूसरा पॉइंट है तो एक्स टू की वैल्यू हो गई 3 और वाई टू की वैल्यू हो गई 6। तो डिस्टेंस पी क्यू कैसे देखा जाएगा, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस पी क्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, एक्स टू है 3 एक्स वन है x, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर दैट इज 6 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये बात हो गई डिस्टेंस पी क्यू की। अब अगर मैं डिस्टेंस पी आर को कंसिडर करूं, डिस्टेंस पी आर, और मैं बोलूं कि पहला पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट आर है, तो देखिए क्या होता है। अगर डिस्टेंस डी की वैल्यू पी आर है, इस केस में पहला पॉइंट कौन है, पी और दूसरा पॉइंट आर। पहला पॉइंट पी है तो एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी एक्स, वाई वन की वैल्यू हो जाएगी वाई, एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी -3 और वाई टू की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अब यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस पी आर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये हमें दो चीज़ें मिल चुकी है, डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस पी आर की वैल्यू मिल चुकी है एक्स और वाई की टर्म्स में, और हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों ही इक्वल है। हमें ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमें दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू
क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अगर हम ये लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए, ये है माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। इसको यूज़ करके हम लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ मैं अप्लाई करना चाहूँगा। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, और दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये दो आइडेंटिटीज़ यहाँ पर यूज़ होगी। इधर होगी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। एक्सपेंड करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, जो कि हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व वाई। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये टर्म्स हमको मिलती है। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होके जीरो बन सकता है। फिर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम है। और एक और चीज, थ्री स्क्वायर एंड थ्री स्क्वायर भी कैंसिल हो सकते हैं, ये सिमिलर टर्म्स है। अब क्या रह गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर दैट इज 36, देन माइनस 12 वाई। राइट हैंड साइड में हमारे पास है सिक्स एक्स फोर का स्क्वायर जो कि होता है 16, एंड देन माइनस 8 वाई। इन तीनों टर्म्स जो राइट हैंड साइड में, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे मिलता है माइनस सिक्स एक्स प्लस 36 माइनस 12 वाई माइनस सिक्स एक्स माइनस 16 प्लस 8 वाई इज इक्वल टू जीरो। माइनस सिक्स एक्स और माइनस सिक्स एक्स ये होता है माइनस ट्वेल्व एक्स, माइनस ट्वेल्व वाई एंड प्लस एट वाई ये हो जाएगा माइनस फोर वाई, 36 एंड माइनस 16 ये हो जाएगा प्लस 20, और राइट हैंड साइड में है जीरो। इस पूरी इक्वेशन में हम देखते हैं कि जितने भी टर्म्स हैं, जैसे उनके कोफिशियंट्स हैं माइनस 12, माइनस 4 एंड प्लस 20, इन सबको हम माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं। माइनस 4 से डिवाइड करने पे ये बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें एक इक्वेशन मिली, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। इसी को हम कहते हैं x और y में रिलेशन।